आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राएं, चाहे वो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं या फिर BCom कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस एंड अदर कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। लेकिन उन तमाम सवालों में से एक सवाल ये भी काफ़ी स्टूडेंट के मन में उठते रहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स चाहिए, ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए और थर्ड ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, और साथ ही साथ कितने नंबर पे फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स दिया जाता है और कितने नंबर लाने से सेकेंड डिवीजन का मार्क्स दिया जाता है और कितने नंबर लाने से पास, प्रमोट या फिर फेल किया जाता है। इन सभी तमाम सवालों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ग्रेजुएशन में मार्क्स सेट किए जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, पास करने के लिए कितने मार्क्स नेसेसरी होते हैं, सभी के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से लेटेस्ट कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हम आपको बता दें कि जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते हैं, उसमें पास करते हैं और उसका मार्कशीट आता है तो उसमें आपको डिवीजन नहीं बताया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आप सेकेंड ईयर पास करते हैं और उसका भी मार्कशीट आता है तो उसमें भी आपको यह नहीं बताया जाता है कि आप कौन सा डिवीजन से पास किए हैं, आपका डिवीजन क्या है। लेकिन दोस्तों, जब आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देते हैं और थर्ड ईयर वाली एग्ज़ाम आप पास करते हैं तब जाके आपको यह बताया जाता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं या सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं या फिर थर्ड डिवीज़न से पास किए हैं। फर्स्ट ईयर में 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक इसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी आपको 500 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है और थर्ड ईयर में भी 500 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट ईयर का बात किया जाए तो आपका जो फुल मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पे हम ऑनर्स का बात कर रहे हैं, आप थोड़ा देर देखिए, जब तक आप फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा, तो आप कहीं जाएं नहीं, फुल वीडियो देख लें। तो यहाँ पर फुल मार्क्स 200 मार्क्स का होता है, ऑनर्स का बात कर रहे हैं, सब्सिडरी का बात नहीं कर रहे हैं। तो 200 मार्क्स का आपका ऑनर्स होता है, उसके बाद दो पेपर आपका यहाँ पे सब्सिडरी होता है, दो पेपर आपका सब्सिडरी होता है और उसके बाद एक पेपर आपका कंपलसरी होता है, या तो वो इंग्लिश हिंदी हो सकता है या फिर 50-50 का इंग्लिश हिंदी, दोनों हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर में दोस्तों ऑनर्स पेपर में आपका 200 मार्क्स फुल मार्क्स होता है और 200 मार्क्स में से अगर आप 120 मार्क्स, 120 नंबर ला रहे हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन ये डिवीजन आपके मार्कशीट पे नहीं दर्शाया जाता है, मार्कशीट पे केवल पास दर्शाया जाता है। और यहाँ पे कंपलसरी आपको कंपलसरी और सब्जेक्टरी क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स एंड इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है। हालांकि इस मार्कशीट पर जो फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट आएगा वहाँ पर टोटल जोड़ के मेंशन रहेगा, लेकिन जब आपका थर्ड ईयर का मार्कशीट आएगा तो उस पे केवल आपका ऑनर्स पेपर का मेंशन रहेगा और सब्सिडरी का भी मेंशन रहेगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। जो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन तो खैर इसमें होता ही नहीं है, जो फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन जो डिसाइड होता है वो सिर्फ ऑनर्स पेपर के मार्क्स से होता है। इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में 200 फुल मार्क्स होता है और इसमें से 120 नंबर आप ला रहे हैं मिनिमम, तो आपको फर्स्ट डिवीजन आपका फर्स्ट डिवीजन होता है, लेकिन यह मार्कशीट में मेंशन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप 90 नंबर ला रहे हैं फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को मिलाकर, तो आपका सेकेंड डिवीजन होगा, और आप 90 नंबर से कम ला रहे हैं तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। जब फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा ताकि वहाँ पर आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स बताऊँगा और आपका डिवीजन के बारे में समझाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको एक फर्स्ट डिवीजन में 120 नंबर लाना है या फिर आपको 90 नंबर आएंगे तो आप सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों पेपर में आपको 45-45 नंबर लाना होगा ताकि जोड़ के 90 हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी एक पेपर में अगर आप 70 मार्क्स ला लिए हैं, क्योंकि ऑनर्स पेपर में दो पेपर होता है, अगर फर्स्ट ईयर में दो पेपर होता है, एक पेपर में आप 70 मार्क्स ला लिए हैं और दूसरा पेपर में 20 मार्क्स लाए हैं तो भी जोड़ के आपका 90 पूर जा रहा है तो आप पास हो जाएंगे, यानी सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे, और 120 हो जा रहेगा तो आपका यानी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट
फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स आ गया और सेकेंड पेपर में 0 मार्क्स आ गया तो भी आपको जोड़कर यानी पास कर दिया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें और कन्फ्यूजन दूर कर दें कि आपका कोई एक पेपर कमज़ोर है तो आप उसमें फेल कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सब्सिडरी जो होता है वो क्वालिफाई होता है और सभी सब्सिडरी और कंपलसरी आपको 33 मार्क्स यानी 33 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 33 से कम लाते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, यानी कि उसको फेल ही बोला जाता है, आप फिर नेक्स्ट ईयर उसका एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह सेकेंड ईयर का बात करें तो सेकेंड ईयर में भी ऑनर्स पेपर फुल मार्क्स 200 का होता है, जिसमें अगर आप 120 नंबर ला रहे हैं तो फर्स्ट डिवीजन होता है और आप 90 नंबर ला रहे हैं तो आपका सेकेंड डिवीजन होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप थर्ड, और यहाँ पर भी आपका डिवीजन मार्कशीट पर मेंशन नहीं रहता है कि आप कौन से डिवीजन से सेकेंड ईयर पास किए हैं, ना तो सेकेंड ना तो फर्स्ट, ये मेंशन नहीं रहता है, केवल पास लिखा हुआ रहता है। फिर जब आप फाइनल यानी थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका जो ऑनर्स पेपर होता है वो फुल 400 मार्क्स का हो जाता है। जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका जो ऑनर्स होता है वो फुल 400 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें से आपको 240 मार्क्स यानी 240 नंबर लाना अनिवार्य होता है। जब आप 240 नंबर लाते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन होता है और आप जब 240 से कम नंबर लाते हैं यानी 180 नंबर के से ज़्यादा लाते हैं तो आपका सेकेंड डिवीजन होता है, और 180 से कम नंबर आता है तो आपको फेल कर दिया जाता है यानी कि प्रमोट कर दिया जाता है, और फिर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के लिए आपको फिर नेक्स्ट ईयर आपको चारों पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें आपको पास करना पड़ता है। तो ओवरऑल दोस्तों जब आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो फाइनल मार्कशीट जारी किया जाता है तो उसमें आपका टोटल जो ऑनर्स पेपर होता है वो 800 का हो जाता है, जबकि सब्सिडरी आपका क्वालिफाई होता है उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी 33 नंबर लाकर पास करना उसमें अनिवार्य होता है। अगर थर्ड ईयर में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 400 का आपका हो जाता है ऑनर्स, जिसमें कि 240 में आपको फर्स्ट डिवीजन होता है और 108 में आपका सेकेंड डिवीजन होता है, और यहाँ पर आपका सब्सिडरी और कंपलसरी सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं थर्ड ईयर में। केवल 100 का आपका जीएस पेपर रहता है जो कि वो भी क्वालिफाइंग रहता है और उसमें आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद जब आपको फाइनल मार्कशीट जारी किया जाता है तो टोटल उसमें 800 मार्क्स आपका ऑनर्स पेपर का हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अगर इस तीनों में से आप अगर आप 480 मार्क्स लाएंगे यानी 800 में से आप 480 मार्क्स लाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, 480 या इससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में आएंगे, और आप मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे तो आप कॉलेज टॉपर यानी स्कूल टॉप यूनिवर्सिटी टॉपर भी आ जाएंगे, और आप 360 नंबर लाएंगे तो आप सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में आएंगे, 360 से कम नंबर लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे और आपको फिर से यानी फिर से थर्ड ईयर का चारों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा और जीएस पेपर का भी एग्ज़ाम देना होगा। आपको एक बात बता दें कि ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन नहीं होता है, ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन होता ही नहीं है, फर्स्ट सेकेंड डिवीजन ही होता है। तो टोटल 800 मार्क्स में से आपको 480 मार्क्स लाना होगा और इसमें से 360 मार्क्स लाएंगे तो सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे और 480 मार्क्स लाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे। और फाइनली आपको यहां पर मार्कशीट में आपको फाइनली यहां पर बताया जाता है कि ओवरऑल आप कौन सा डिवीजन किए हैं, फर्स्ट डिवीजन किए हैं, सेकेंड डिवीजन किए हैं या फिर फेल हुए हैं, ओवरऑल आपका थर्ड ईयर होने के बाद बताया जाता है। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहे होंगे कि इस पेपर में आपका सपोजेड कि 120 नंबर ना आके 115 नंबर आया है तो क्या आपको यहाँ पर फर्स्ट और किसी दूसरे सेकेंड ईयर में, मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका यहाँ पर 115 नंबर आया है और सेकेंड ईयर में आपका 130 नंबर आया है, यानी फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में है, लेकिन फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में नहीं है, आप सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में है, तो क्या थर्ड ईयर में जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें जोड़ के क्या आपको फर्स्ट डिवीजन दिया जाएगा या फिर सेकेंड डिवीजन दिया जाएगा, क्या यहाँ पर आपका 120 रहेगा तो ही आप लास्ट में यानी थर्ड ईयर में फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर 120 नहीं आके 90 नंबर ही आया है, 90 से कम आएगा दोस्तों तो आप फेल ही हो जाएंगे, 90 ही आया है यानी पासिंग मार्क्स आप
आपका आया हुआ है, और सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में 240 से जगह 240 में आप फर्स्ट कर सकते हैं, लेकिन 240 से जगह आपका 300 आ गया है क्योंकि 400 का मार्क्स होता है। तो इसका यहाँ पे आप मेकअप कर सकते हैं, और इस तरह से सभी कंबाइंड करके यानी सभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसी में कम आया है किसी ईयर में ज़्यादा आ गया है, तो सबको कंबाइंड करके 480 पूरता है तभी आपको फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है, और यहाँ पे 360 पूरता है तो भी आपको सेकेंड डिवीजन दिया जाता है, और थर्ड डिवीजन तो होता ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि फर्स्ट डिवीजन अगर यहाँ पे 120 से कम आया है तो थर्ड ईयर में अगर आप ज़्यादा ला रहे हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन नहीं दिया जाएगा, आपको बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन दिया जाएगा। लेकिन ये मैंने केवल यहाँ पे लिख के आपको बता दिया है कि यहाँ पे आएगा 120 तो आप फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन आपका मार्कशीट पर यह मेंशन नहीं रहता है कि आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन है, केवल वहाँ पे पास लिखा हुआ रहता है और सेकेंड ईयर में वही रहता है, लेकिन थर्ड ईयर में आपको टोटली बता दिया जाता है, थर्ड ईयर के मार्कशीट में टोटल मेंशन कर दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जितना भी कंपलसरी सब्जेक्ट और सब्सिडी सब्जेक्ट और साथ ही जो थर्ड ईयर में आपका जीएस का होता है, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इससे आपका फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन डिक्लेयर नहीं किया जाता है, लेकिन उसमें आपको 33 मार्क्स पासिंग लाना जरूरी है, और उसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप 100 में 90 लाओ 80 लाओ, लेकिन ऑनर्स पेपर में कंपलसरी है। अगर आप अच्छा ला रहे हो तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आगे आपके निकट भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप आपका जितना भी कन्फ्यूजन था सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमेंट आ रहा था कि मुझे इस बारे में बता दीजिए कि कौन सा डिवीजन मैं पास हुआ हूँ, पार्ट वन में, पार्ट टू में, पार्ट थ्री में, कैसे पता चलेगा मेरा कितना डिवीजन है और कितना नंबर लाएंगे तो हमें फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में रखा जाएगा, और फाइनल ईयर में कितना लाना पड़ता है, क्या कंपलसरी का भी नंबर जुड़ता है, क्या प्रोसेस है। बहुत सारे को ग्रेजुएशन में ये सारे जो पैटर्न है ये समझ में आता ही नहीं था। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको टोटल पैटर्न समझ में आ गया होगा, और पैटर्न समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के बीच ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और हमारे चैनल नेक्स्ट इन हेल्पिंग फॉरवर्ड को सब्सक्राइब भी कीजिए एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह से लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।